गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास सिक्स सोशल साइंस का चैप्टर नंबर सिक्स फ्रॉम ज्योग्राफी पार्ट आवर इंडिया इन द वर्ल्ड, इस चैप्टर को हम रीड आउट करेंगे। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपका ये पार्ट वन है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इंडिया आवर कंट्री, हमारी जो इंडिया है, जो हमारी देश है, उसे हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, उपमहाद्वीप भी कहते हैं। ये हमारी मातृभूमि है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल, ठीक है, और कल्चरल डाइवर्सिटी है, आपको भिन्नता नज़र आ जाएगी। इट इज़ द लैंड, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, फर्टाइल प्लेन्स हैं, उपजाऊ प्लेन्स हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव पठार है हमारे यहाँ, जिसमें हमारे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं पठारों में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में पाया जाता है। इंडिया दैट इज़ द भारत, ये सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ एरिया, और सेकेंड लार्जेस्ट है कंट्री जो कि पॉपुलेशन के टर्म में। अब हम लोकेशन की बात करें तो इंडिया को हम ट्रॉपिकल कंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मिड से जाती है, और इंडिया को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देती है। नॉर्थन पार्ट को हम सब ट्रॉपिकल इंडिया कहते हैं, एंड साउथर्न पार्ट को हम ट्रॉपिकल इंडिया कहते हैं। अगर हम लैटिट्यूड में बात करें इंडिया की, तो कितना फैला है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू लेके 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड तक इंडिया फैला हुआ है। ये बताता है, ये जो हमारी लैटिट्यूड पोजीशन है, हमें ये बताता है कि जो इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर के ऊपर सिचुएटेड है। कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी इसके साउथ में है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट है, बट द इंदिरा पॉइंट की बात करें इज़ सिचुएटेड इन आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप की बात करें तो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है, और आपने स्लोगन में पढ़ा होगा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी इंडिया क्या है, एक है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, डिस्टेंस की बात करें कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो कितना है, 3 to 14 किलोमीटर है। अब एक्सटेंशन ऑफ इंडिया लॉन्गिट्यूडनली, अगर हम पहले हमने लैटिट्यूड की बात की, अब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो कितना एक्सटेंड है, डैट इज 67 डिग्री 7 ईस्ट टू लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। ये इंडिकेट करता है कि जो इंडिया है वो ईस्टर्न पार्ट है, मतलब कि ईस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। फ्रॉम द ईस्ट मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश से लेके रन ऑफ कच्छ तक, अगर हम इसकी दूरी की बात करें कि अरुणाचल प्रदेश है और रन ऑफ कच्छ तक का अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। यहाँ हमने कश्मीर से कन्याकुमारी के बाद ऊपर से नीचे की बात की है तो इतना है, और अरुणाचल प्रदेश से रन ऑफ कच्छ की बात करें तो 2933 है, जो कि गुजरात में रन ऑफ कच्छ। ड्यू टू दिस, ये इतनी वास्ट डिस्टेंस के कारण यही है कि जो सनराइज़ है वो अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाता है, एंड गुजरात में अभी भी दो रात हो रही होती है, मीन्स 2 आवर लेफ्ट होते हैं रात के। ड्यू टू द दिस लॉन्ग ग्रेटेस्ट लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को के कारण हम इंडिया को उपमहाद्वीप भी कहते हैं। उपमहाद्वीप एक बिग और इंडिपेंडेंट रीजन होता है, जो कि दूसरी कंट्रीज से अलग नज़र आता है, ठीक है। इंडिया जो कि साउथ पार्ट में ऑफ एशिया के में सिचुएटेड है, इंडिया को हम पेनिनसुला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके तीन भागों में आपको क्या नज़र आएंगे, महाद्वीप नज़र आएंगे। इट लाइट एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के हेड में है, इसके वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अगर हम नेबरहुड कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया 7 कंट्रीज़ के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव आर द टू क्लोजिंग, ये क्या है, श्रीलंका और जो मालदीव है, ये आइलैंड है जो कि इंडिया के क्लोजली सिचुएटेड है। श्रीलंका अगर हम को बात करें, इंडिया को कौन सेपरेट करता है, पाक स्ट्रीट जो लाइन है वो सेपरेट करती है इंडिया को श्रीलंका से, एंड गल्फ ऑफ म्यांमार, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल सेटअप की बात करें तो इंडिया में देखो, अब इसमें डाटा थोड़ा पुराना है, अब इंडिया में 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी है।
अगर हम डिस्टेंस की बात करें या फिर हम एरिया की बात करें, तो सबसे लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का कौन है? राजस्थान। और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन है इंडिया का? गोवा है। अमंग द इंडियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट है जिसके पास कम एरिया है। अब इन्होंने स्टेट और उनकी कैपिटल दी है, आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी नहीं तो आपको 8th 9th 10th में आपको स्टेट और उसके कैपिटल्स के रिगार्डिंग मैप में आपको टॉपिक ये चीज़ें आ सकती है, क्योंकि आपको इंडिया के हर स्टेट के कैपिटल्स मुँह जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 29 स्टेट दिए हैं, अब 28 स्टेट हो चुके हैं। ठीक है, और 7 यूनियन टेरेटरी लिए हैं। लद्दाख हमारी एक न्यू यूनियन टेरेटरी बन चुकी है। यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है, इन्होंने प्रॉपरली स्टेट भी फिल आउट किए हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल डिविजन्स की बात की है कि यहाँ पे कितने हमारे यहाँ पहाड़ी श्रृंखला है, मैदान कहाँ पे हैं, डेजर्ट कितने, रेगिस्तानी इलाका कितने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कोस्ट बताए हुए हैं, घाट्स बताए हुए हैं। ठीक है, ये भी बताया गया है कि एशिया आपका अरेबियन सी भी यहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है। ठीक है, और इंडियन ओशन नीचे पड़ता है और इंडियन ओशन के ऊपर है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार इस साइड है, लक्षद्वीप आपका इस साइड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब रिलीफ एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया को कि 4-5 मेजर डिवीज़न है फिजिकली। फर्स्ट है ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ, ठीक है, जिसमें आपके हिमालया, सिमाद्री ये सारे आ जाते हैं। सेकंड है आपके नॉर्थन प्लेन्स जो कि हरियाणा पंजाब वगैरह आ जाते हैं, उत्तरी मैदान। ठीक है, देन पेनिनसुला प्लेटू आ जाता है, देन कोस्टल प्लेन। ठीक है, उसके बाद आइलैंड जो कि 2 आइलैंड है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। कोस्टल प्लेन्स में आपके वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी, वेस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट आपका आ जाता है और ईस्टर्न घाट आपका आ जाता है। अब हम गेट माउंटेन रेंज की बात करें तो जो हिमालय माउंटेन है वो हमारे अगर इन कंट्री की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ है। ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, जो कश्मीर से लेके आसाम तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे काराकोरम जो कि सबसे हाईएस्ट रेंज कहा जाता है, यहाँ पे है कीटू पाई जाती है जो कि वर्ल्ड की सेकेंड काराकोरम सॉरी जो काराकोरम के बाद जो सेकेंड जो आपकी सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है डेट इज़ केटू, वो भी यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, हिमालय है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कहा जाता है हिमालय को। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनगम्मा सिक्किम में है, गंगेरी एंड जमुनोत्री जो ग्लेशियर हैं जिससे कि गंगा एंड यमुना होके निकलती है, वो भी हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं। इन द सेकेंड रेंज ऑफ हिमालय की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन पाए जाते हैं जिसमें डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल है। अगर हम थर्ड रेंज की बात करें, देखो ये जो ग्रेट हिमालय को इन्होंने 3 रेंज में बांटा हुआ है। ठीक है, एक तो आपका आ जाता है जिसमें आपका हिमालय आ जाता है, सेकंड में आपका माउंटेन एरियाज आ जाता है, पहले जो आपका फर्स्ट रेंज है उसमें बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं जिसमें केटू, काराकोरम, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनगम्मा, गंगोत्री, जमुनोत्री के जो ग्लेशियर आ जाते हैं। एंड सेकेंड माउंटेन रेंज में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन आ जाते हैं, डेट इज़ डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, नैनीताल। और थर्ड में माउंटेन रेंज है, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब कि इस रेंज में जो है बनी हुई है वहाँ पे आपको लूस मटेरियल मिल जाएंगे जिसमें मिट्टी, सिल्ट, ग्रावल एंड सॉफ्ट होगी, और यहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड फोर्थ रेंज भी इन्होंने बताई है जो कि सम वैलीज आर फाउंड इन दिस पॉइंट जो कि दून है, दैट इज़ देहरादून। नाउ नॉर्थ प्लेन है, नॉर्थ प्लेन इज़ द एलुवियल डिपॉजिट है जो कि 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, लार्जेस्ट कैस्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपका आता है पंजाब हरियाणा प्लेन। ठीक है, अगर हम की बात करें इनका ओरिजिन की बात करें तो सतलुज एंड ब्यास एंड रावी नदी के कारण हुआ है, ये यूनिफॉर्म है, एक साथ है और फ्लैट लैंड है। ठीक है, और इंडस उसकी 5 सहायक नदियों के मिलके बना है ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इसका ग्रेटर पार्ट कहाँ चल गया है, पाकिस्तान में चल चुका है, फिर भी
यहाँ पे वो हमारा जो पंजाब है फिर भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर हम बात करें दिल्ली की बात करें, उसके सराउंडिंग की बात करें, तो गंगा एंड आपको यहाँ पे इंडस नदी के आपको ड्रेनेज सिस्टम नज़र आएंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि इन्होंने इस जो हमारे जो नॉर्थन प्लेन है, जो हमारा पंजाब एंड हरियाणा, उसे फर्दर डोआब्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट है आपका रावी एंड ब्याज, इसके बारे में आप 10th में आप डिटेल में पढ़ोगे, दोआब्स के बारे में 9th में भी आप डिटेल में पढ़ोगे। द एरिया बिटवीन एंड रावी एंड ब्यास नदी के एरिया को हम बाड़ी दोआब कहते हैं और इसे हम मांझा प्लेन पंजाब में कहते हैं। एरिया बिटवीन, ठीक है, एरिया बिटवीन ब्यास और सतलुज नदी को हम बिस्त दोआब कहते हैं। ठीक है, और जो प्लेन्स है जो सतलुज नदी से लेके गंगा रिवर घाघर रिवर तक फैले हैं उसे हम मालवा प्लेन्स कहते हैं, और जो घाघर से यमुना नदी तक फैले हैं उसे हम प्लेन ऑफ हरियाणा कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट है थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट की बात करें, हमें पता है ये पंजाब और हरियाणा के साउथर्न पार्ट में है, रन ऑफ को जो कि गुजरात में है, ठीक है, वहाँ तक फैला हुआ है। अरावली माउंटेन रेंज यहाँ पे पाई जाती हैं, यहाँ पे बारिश नहीं होती है जिसके कारण यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े सैंड के टीले नज़र आएंगे। ठीक है, और सैंड के टीलों की अगर हम हाइट की बात करें तो 50 से 100 मीटर तक इनकी हाइट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, और यहाँ दिस लैंड आर इसके अलावा अरावली के पास है बड़े फर्टाइल प्लेन्स है, मैदानी इलाका भी है जिसे हम रोही भी कहते हैं। यहाँ पे आपको नमक के भी टीले नज़र आ जाएंगे, नमक की नदियाँ नज़र आएंगी, नमक के लेक नज़र आएंगे, उसमें फेमस है डैट इज़ सांभर लेक। अब हम गंगा प्लेन्स की बात करें तो गंगा प्लेन है वो जो कि उत्तर प्रदेश बिहार और यमुना नदी के किनारे जो फैले हुए हैं, ये आपका और बांग्लादेश तक आता है, ये सारे जो यहाँ तक जो एरिया है वो आपके गंगा प्लेन तक आते हैं, क्योंकि गंगा नदी के द्वारा बनाए गए मैदानी इलाका एरिया है। ये बहुत बड़े हैं और बहुत फर्टाइल भी हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और ये अगर हम प्लेन्स की बात करें तो गंगा, यमुना, राम गंगा, चंबल, बेतवा, काली एंड पांडु नदी है उसकी हेल्प से ये मैदान बने हुए हैं। फोर्थ इज ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। अगर हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की बात करें तो ये आपको आसाम में पाए जाते हैं, ये ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसके द्वारा बनाए गए हैं। इन्होंने ब्रह्मपुत्रा की बात की है, ससीरी, टिंगपांग एंड लोहित नदी, ये सारी जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं उनके साथ मिलके ये मैदानी इलाके वो बने हुए हैं। ये तो आपके आपके प्लेन जिसमें आपके मेन हमने कौन कौन से प्लेन पे हैं, नॉर्थन प्लेन्स में हमने पंजाब हरियाणा का मैदानी इलाका पढ़ा है, थार डेजर्ट प्लेन पढ़ा हमने, गंगा प्लेन पढ़ा हमने, ब्रह्मपुत्रा प्लेन पढ़ा। अब नेक्स्ट इस पेनिनसुला प्लेटू की बात करें, देखो ये प्लेटू है हमारे नॉर्थन प्लेन्स में पाए जाते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके इंडियन ओशन से लेके साउथ तक फैले हुए हैं। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में भी पाए जाते हैं, अरेबियन सी में भी पाए जाते हैं, और ये आसपास किससे घिरे होते हैं, आसपास जो पठार होते हैं इनके आसपास क्या होता है, ये आसपास के एरिए से थोड़े ऊपर होते हैं, थोड़े ऊँचे होते हैं हाइट की बात करें, और इनके आसपास अनइवन होते हैं, कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, और यहाँ पर आपको मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्होंने पठार को दो मेन डिवाइड किया, डैट इज़ मालवा एंड डीकन। डीकन बहुत ज़्यादा फेमस है हमारा प्लेटो यहाँ का। अगर हम मालवा प्लेटो की बात करें तो ये अरावली माउंटेन के पास पाया जाता है, छोटा नागर राजमहल हिल के पास पाया जाता है, ये एक ट्रायंगुलर शेप में है। अगर हम डीकन प्लेटो की बात करें, ये लावा के कारण बनी थी, और इसके एरिया की बात करें तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी हाइट की बात करें तो सी लेवल से इसकी 300 से 900 मीटर अबव है। ठीक है, इतना हम इसका इतना पढ़ना आपके लिए इनफ रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये डिकन प्लेटू इज सराउंडेड बाय 3 साइड बाय लॉन्ग, लो एंड लिंग प्लेन्स। ठीक है, जिसमें आपका कच्छ एरिया ऑफ गुजरात आ जाता है, केप क्रॉपन आ जाता है, महानदी डेल्टा आ जाता है। कोस्टल लेन की बात करें तो ईस्टर्न प्लेन से डिफरेंट होते हैं, एंड वेस्टर्न प्लेन्स आर लेस वाइड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत होती है। इसके अकॉर्डिंग हमने कोस्टल प्लेन को दो में डिवाइड कर दिया, एक तो आपका होता है वेस्टर्न घाट, एक होता है आपका ईस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न घाट। अब हम पहले हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे, तो ये बे बंगाल से देखकर फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे
एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न प्लेन, वेस्टर्न प्लेन के कंपेरिजन ये बहुत बड़े वाइडर हैं, हायर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं वेस्टर्न प्लेन, जो कि आपकी गुजरात से केरला तक फैले हुए हैं। ये नैरो है, पतले हैं, संकरे हैं। अब इंडिया आइलैंड की बात करें तो दो मेन आइलैंड है, डैट इज़ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बिसाइड द मेन आइलैंड इंडियन रिपब्लिक ने दो आइलैंडों पे भी कंट्रोल किया गया है। इंडिया के पास ऑलमोस्ट 250 आइलैंड है। ठीक है, जिसमें हमने ऑफशोर एंड इनशोर आइलैंड की बात की, अब हम ऑफशोर आइलैंड पढ़ेंगे। ठीक है, ऑफशोर आइलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइलैंड होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे हमने ऊपर अगर हमने आपने मैप में देखा हो तो आपको आपको इजीली अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आपको समुद्र तट के किनारे मिल जाएंगे। अरेबियन सी की बात करें तो कोरल लीफ से बने हैं। कोरल लीफ क्या होते हैं, जो मरीन एनिमल्स होते हैं ना, उनकी हड्डियाँ होती है एक टाइप की। ठीक है, देर आर 25 इन नंबर है, और ये होल ग्रुप को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्थन पार्ट को हम अमनी देवी कहते हैं, मिडल पार्ट को लका द्वीप कहते हैं, एंड साउथर्न पार्ट को मिनी कोए कहते हैं। अब हम बे ऑफ बंगाल, आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल की बात करें तो इसमें ये वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बने हुए हैं। ठीक है, इसमें 3 मेन आइलैंड है, फर्स्ट इज अंडमान, नेक्स्ट इज निकोबार और अदर एंड ज्वाइनिंग आइलैंड। ठीक है, देर आर 120 आइलैंड है अंडमान में, और इंदिरा पॉइंट आइलैंड ऑफ निकोबार वो साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। अब ऑनशोर आइलैंड की बात करें, जो कि आपको जिसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं, डेल्टा ऑफ गंगेस, ठीक है, न्यूमोर आइलैंड है, ये आइलैंड हमें कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, एंड ड्यू लाइक बिग आइलैंड आर सिचुएटेड है, गुजरात में है। इन कंबर्थ और रन ऑफ कच में आपको डिफरेंट साइज के आपको आइलैंड पाए जाएंगे। ये वो आइलैंड है जो आपको समुद्र में नहीं मिलते, ठीक है, समुद्र के अंदर नहीं पाए जाते। विद दिस आपका ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हो जाती है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर के जो मेन आपको इंडियन फिजिकल डिवीज़न की जो मेन 5 चीज़ें हैं, आपको आइलैंड प्लेन्स है जो आपके मेन, आप प्लेटूज है, पेनिसुलर प्लेटूज है, और उसमें कौन फर्दर कैटेगरीज है, हिमालयस की फर्दर क्या कैटेगरीज है, जो ग्रेट हिमालय है, उसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वंस अगेन।